नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोवेज मेडिसिन के बारे में। कार्बोवेज मेडिसिन का यूज 15 बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि किन किन डिजीजों में आपके शरीर में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो आपको कार्बोवेज मेडिसिन का यूज करना चाहिए। प्रायः सभी कार्बोवेज मेडिसिन का नाम जानते हैं। जब भी एसिडिटी, अपच, खट्टी डकार की बात आती है तो कार्बोवेज मेडिसिन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में ऐसे और भी सिम्टम्स होते हैं जिसको ठीक करने के लिए कार्बोवेज मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसे संजीवनी बूटी के नाम से भी इसका यूज किया जाता है। क्यों संजीवनी बूटी इसे कहा जाता है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन हमें सही मात्रा में करना चाहिए। कितने दिन तक हमें मेडिसिन का यूज करना चाहिए, यह जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, क्या इसके एंटीडोट्स होते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जो आपको यह एंटीडोट्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि यदि हम कार्बोवेज मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या साथ में हमें मेडिसिन बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आईबीएस के पेशेंट्स में हमने देखा है, एसिडिटी के पेशेंट्स में हमने देखा है, क्योंकि जब भी डायरिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो दो ऐसी कॉमन मेडिसिन होती है जो साथ में ली जाती है। यदि दो मेडिसिन आप साथ में लेंगे तो कार्बोवेज के रिजल्ट्स आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप कार्बोवेज मेडिसिन ले रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्बोवेज मेडिसिन के सिम्टम्स को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कार्बोवेज के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसे संजीवनी बूटी क्यों कहा जाता है। दोस्तों, यह संजीवनी बूटी इसलिए कहा जाता है जब व्यक्ति की पल्स रेट बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, थर्ड और फोर्थ जो बीट होती है वह धीरे धीरे करके मिस होने लगती है और पेशेंट्स जो है कोलॉप्स की कंडीशन में जाने लगता है, पेशेंट्स को ठंडा पसीना आने लगता है, पेशेंट्स को हेमरेज की कंडीशन हो जाती है, पेशेंट्स को जगह जगह नीले कलर के धब्बे पड़ने लगते हैं, पेशेंट्स का जो फेस है धीरे धीरे करके नीला पड़ने लगता है, तो उस सिचुएशन में कार्बोवेज मेडिसिन का यूज किया जाता है। उस सिचुएशन में ओनली फॉर वन इम्पोर्टेंसी में हायर पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें वेंटिलेशन में डाल दिया जाता है और उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है, ऑक्सीजन लगा दिया जाता है और वहां उनकी पल्स रेट बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और ऑक्सीजन की उनके शरीर में कमी होने लगती है, तो इस मेडिसिन का यूज उसमें हायर पोटेंसी में किया जाता है। डॉक्टर कैंट और डॉक्टर हैनीमैन ने इसकी प्रूविंग की थी और काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, इसीलिए इसे संजीवनी बूटी कहा जाता है। जब शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, पेशेंट्स इतनी हालत पेशेंट्स की गंभीर हो जाती है कि वहां वेंटिलेशन में आ जाता है और ऑक्सीजन उसे लगा दिया जाता है। यदि आपने काफी ट्राई की है, काफी मेडिसिन ट्राई करी है, तो आप एक बार कार्बोवेज हायर पोटेंसी में जरूर एक सिंगल डोज दें। इसके बाद 2 घंटे के अंदर में आपके इसके रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है, इसे डॉक्टर कैंट और हैनीमैन, इसे संजीवनी बूटी के नाम से इसको जाना जाता है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो चलो आप समझते हैं एक एक करके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे तो हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आता है गैस, एसिडिटी, अपच, खट्टी डकार, बदहजमी, पेट साफ ना होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। पहले नंबर पे आता है दोस्तों गैस। यदि आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, आपको अपच, खट्टी डकार की प्रॉब्लम्स होती है, तो कार्बोवेज मेडिसिन का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। स्पेशली इसमें पेट के अपर पार्ट में गैस बनती है, पेट में पेशेंट्स को डकार लेने में रिलीफ महसूस होता है और पेशेंट जब भी खट्टी चीजें खाता है और पेशेंट्स घी वाली चीज खाता है, खटाई वगैरह खाता है, तो पेशेंट्स को गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेशली अपर पार्ट में गैस की प्रॉब्लम्स होती है तो पेशेंट्स को कार्बोवेज मेडिसिन दी जाती है। जब भी पेशेंट्स को गैस की प्रॉब्लम्स होती है तो 3 मेडिसिन में पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाता है और गलत मेडिसिन को सेलेक्ट करके यूज करता है, तो पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। 3 मेडिसिन के साथ इसके कंपेरिजन किया जाता है। पहले नंबर पे आता है कार्बोवेज में अपर पार्ट में गैस बनती है और दूसरे नंबर पे आता है चाइना में पूरे पेट में गैस बनती है
और पेशेंट्स का पेट फूल जाता है, गुब्बारे जैसा फूल जाता है और गैस पास नहीं होती, तो उसे चाइना मेडिसिन दी जाती है। लोअर पार्ट में एब्डोमेन में जब बहुत ज्यादा गैस बन जाती है तो उसमें लाइकोपोडियम मेडिसिन का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट आता है दोस्तों रुवाइनिया, रुवीना के नाम से जिसे जाना जाता है, पूरे पेट में गैस बन जाती है और पेशेंट्स गैस पास नहीं कर पाता, गैस पास करने के लिए इधर किधर घुमा करता है, जब जाके गैस बाहर निकलती है तब पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है, तो उसमें रुवीना मेडिसिन का यूज किया जाता है 30 पोटेंसी में। इन चार मेडिसिन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है, तब पेशेंट को सेलेक्ट करके मेडिसिन दी जाती है, तो पेशेंट की जो गैस एसिडिटी या पचखट्टी डकार की प्रॉब्लम्स होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जब आप कुछ अनपच चीज खा लेते हैं या खटाई वगैरह खाते हैं, स्पाइसी फूड वगैरह खा लेते हैं, बटर चिकन वगैरह खा लेते हैं, जब आपको गैस बन जाती है, खट्टी डकारें आती है, उकाइयां आने लगती है, तो उसमें कार्बोवेज मेडिसिन का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें आपको पल्सेटिला और कार्बोवेज के साथ इसकी तुलना की जाती है। जब भी रिफ्लेक्स खाना होता है, खट्टी डकार होती है, खट्टा पानी मुंह में आता है, तो पल्सेटिला के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है, कार्बोवेज और पल्सेटिला उसमें यूज की जाती है, कंपैरिजन करके दोनों में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों एसिडिटी, एसिडिटी में बहुत ही अच्छा काम करती है। आपने काफी पेशेंटों को देखा होगा काफी एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं, उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, आहार नलिका में हमेशा जलन महसूस होती है, कुछ भी खाना खा लेते हैं एसिड का सिक्रेशन ज्यादा होता है, एसिडिटी बन जाती है, तो यहाँ पे आहार नलिका में जलन होती है, तो कार्बोवेज 30 पोटेंसियम मेडिसिन का यूज किया जाता है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ सर्दी जुकाम में बहुत ही अच्छा काम करती है, जिन पेशेंटों को बार बार सर्दी जुकाम होता है, नजला की उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, साथ ही साथ वीकनेस बहुत ज्यादा हमेशा शरीर में बनी रहती है, तो उसमें कार्बोवेज मेडिसिन का यूज किया जाता है 30 पोटेंसी में। दोस्तों यहाँ एंटीसोरिक मेडिसिन है और एंटीसोरिक के साथ साथ आप एक बात हमेशा याद रखें, जब पेशेंट्स को कोई भी पुरानी डिजीज हुई है, लॉन्ग टर्म डिजीज से पेशेंट सफर कर रहा है, एग्जांपल में मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे पेशेंट टाइफाइड से सफर किया हुआ हो या पेशेंट्स किसी भी टीबी की बीमारी से सफर किया हो, उसके बाद पेशेंट्स को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस बनी रहती है, एनीमिया की शिकायत हो जाती है, शरीर हमेशा थका थका महसूस होता है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए कार्बोवेज मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। कम से कम इस मेडिसिन का यूज 1 महीने तक किया जाता है, इस बात का आपको विशेष हमेशा याद रखना चाहिए। एंटीसोरिक मेडिसिन कभी भी किसी भी लॉन्ग टर्म डिसीज के बाद पेशेंट्स को कमजोरी महसूस होती है, थका थका महसूस होता है, तो उसमें कार्बोवेज मेडिसिन का यूज किया जाता है, इसलिए इसे संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों निमोनिया के केस में, यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जब बच्चों को निमोनिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनकी पसलियां हमेशा चलती है, सांस लेने में पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, उनकी जो पसलियां होती है बहुत ज्यादा गहरी चलती है और पेशेंट्स को हवा करने में थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों यह दमा के केस में स्पेशली बहुत ही अच्छा काम करती है, साथ ही साथ आर्सेनिक के साथ इसकी तुलना की जाती है। दमा के केस में पेशेंट्स में क्या लक्षण हमें देखने को मिलता है, पेशेंट्स को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अगली सांस आएगी या नहीं आएगी, पेशेंट जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, इतना ज्यादा कंफ्यूज में पेशेंट्स रहता है, इतनी ज्यादा पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है और पेशेंट खिड़की के पास जाके बैठ जाता है या पंखे के पास जाके बैठ जाता है और उसके माउथ में जो है फेस में हमेशा हवा चाहिए होती है, पूरा जो शरीर होता है ठंडा रहता है, ठंडियों के दिन में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है, अपने शरीर को पेशेंट पूरी तरह से कवर कर लेता है। लक्षण को मैच अच्छी तरह से समझिएगा, जब तक लक्षण को आप बिल्कुल भी नहीं समझेंगे मेडिसिन बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। दमा के पेशेंट्स ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है। तो दमा के हम बात कर रहे थे, ठंडी का जितना भी मौसम है तो अपने आपके शरीर को कवर कर लेता है और जो हवा है उनके फेस में चाहिए होती है, यह लक्षण हमें कार्बोवेज में देखने को मिलता है, अनदर यह लक्षण किसी भी मेडिसिन में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो पेशेंट को कार्बोवेज मेडिसिन दी जाती है 200 पोटेंसी में रेगुलर 20 दिन तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, इसके बाद पेशेंट को कॉम्प्लीमेंट्री दे दी जाती है, दमा का जो केस होता है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस तरह का बेलमार की नोट सिम्टम ओनली फॉर हमें कार्बोवेज में देखने को मिलता है, अनदर हमें पेशेंट्स में यह लक्षण बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। पेशेंट्स की इतनी सांस की दिक्कत होती है, पेशेंट को रातों में नींद नहीं आती, रात में भी जाग के वहां बैठ जाता है खिड़की के पास, सिर्फ ओनली फॉर हवा कहां चाहिए, फेस में चाहिए, ओनली फॉर फेस में हवा चाहिए होती है और पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है। तो यह कार्बोवेज का लक्षण है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो आप मेडिसिन यूज करिए, दमा के केस में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। नेजरा के केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है, जिसे हम हैजा के नाम से जानते हैं, पेशेंट्स को बहुत ज्यादा
डायरिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है, पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, पल्स रेट पेशेंट्स की बहुत ज्यादा कम हो जाती है, शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो उसमें कार्बोबेज मेडिसिन का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार कम से कम 1 महीने तक इस मेडिसिन का कंटिन्यू यूज किया जाता है। पेशेंट की जो हैजा कोलेरा की जो प्रॉब्लम्स होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है, और पेशेंट्स जैसे अनकॉन्सियस वगैरह भी होने लगता है तो उसमें कार्बोबेज मेडिसिन का यूज किया जाता है। पल्स रेट भी कम हो जाती है तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कहीं भी कोलेरा का आपको लक्षण देखने को मिल रहा है तो आप इस मेडिसिन का यूज करिएगा। जब भी कोलेप्स की कंडीशन आती है, जब भी पेशेंट अनकॉन्सियस की कंडीशन में आने लगता है तो एक मेडिसिन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, कैम्फर। कैम्फर के साथ इस मेडिसिन का कंपैरिजन किया जाता है, पर कैम्फर इसकी एंटीडोट है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोनों मेडिसिन आपको एक साथ बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती, दोनों के सिम्टम जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट लक्षण आता है वैरिकोज वेन में, यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी वैरिकोज पेन की प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका बेलमार के नोट सिम्टम मैं बता रहा हूं। जिन पेशेंटों को भी वैरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, जो वेन्स होती है उसमें गांठाने पड़ने लगती है और ब्लड का जो फ्लो होता है प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाता, तो उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। स्पेशली एमोलेशन में आपको बता देता हूँ, ओनली फॉर एमोलेशन हमें यहाँ पेशेंट को देखने को मिलता है। जब भी पेशेंट रात में सोता है तो अपने जो पैरों को है ऊपर रख के सोता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीका से हो सके, तो जिसमें पेशेंट्स को रिलीफ महसूस होता है। इज द वेलमार्क नोट सिम्टम ऑफ दिस कार्बोबेज मेडिसिन। हेमामेलिस के साथ इसकी तुलना की जाती है, पल्सेटिला के साथ इसकी तुलना की जाती है, यह लक्षण देखने को मिल रहा है तो आप पेशेंट्स को कार्बोबेज 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करें। जो वैरिकोज वेन की प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों फोड़ा फुंसी का होना, एक्ने का होना। जिन पेशेंटों को भी एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स मुहासे की प्रॉब्लम्स है, जवानी में पिंपल्स की प्रॉब्लम से वह परेशान रहते हैं, तो कार्बोबेज 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। कम से कम 25 दिन तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है गैंग्रीन की प्रॉब्लम होना, फोड़े फुंसी का होना। जिन पेशेंटों को भी काफी लंबे समय से कोई भी घाव हो गया है, वहां सूख नहीं रहा है और काफी लंबे समय से वहां परेशान है, काफी मेडिसिन उन्होंने ट्राई किए हैं, वहां का जो पार्ट्स होता है नीला पड़ने लगा है, गैंग्रीन काफी लंबे समय से उन्हें परेशान कर रहा है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज 30 पोटेंसी में किया जाता है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 2 महीने तक कंटिन्यू यदि इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो गैंग्रीन फोड़ा फुंसी की जो प्रॉब्लम्स है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आपने जाना इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे तो आपको इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। इम्यूलेशन मैंने आपको बताया था, खुली ठंडी हवा में घूमने में, माउथ में खुली हवा लगने से, फेस में खुली हवा लगने से पेशेंट को इम्यूलेशन देखने को मिलता है। एंटीडोट्स की बात करें तो दोस्तों कैम्फर इसकी एंटीडोट्स है और आर्सेनिक एल्बम इसकी एंटीडोट्स है। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर करें ताकि सभी कार्बोबेज के असर को जान सके और एलोपैथिक मेडिसिन का ना यूज करके बिना साइड इफेक्ट्स के बच सके कार्बोबेज मेडिसिन यूज करके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।